और अब बात करते हैं माही गिल की। पप्पी जी के साथ कल केडेंस थिएटर मुंबई के एक इवेंट में पहुंची माही गिल। यहां माही ने जमकर बोले पंजाबी विच डायलॉग और इसके साथ बताया दीपक और अभय में कौन है उनके फेवरेट को-स्टार। वेल, इस इवेंट में और भी कुछ खास क्या हुआ, लेट्स सी। According to who is a better co-star, Abhay or Deepak? I will never comment on that because I really love all my co-actors. लगता है नॉट अ लव स्टोरी की ये हीरोइन माही गिल समझ गई हैं कि बॉलीवुड में नॉट अ कॉन्ट्रोवर्सी होना भी जरूरी है। तभी तो जब इनसे पूछा गया कि दीपक ढोबियाल और अभय देओल में कौन सा स्टार बेहतर है तो इन्होंने साफ कह दिया। आई विल नेवर कमेंट ऑन दैट बिकॉज़ आई रियली लव ऑल माय को-एक्टर्स। वेल, कल माही पहुंची कैडेंस थिएटर मुंबई के एक शो में। यहां माही गिल के साथ फिल्म नॉट अ लव स्टोरी को प्रमोट करने पहुंचे हमारे पप्पी जी भी। थिएटर का इवेंट था, स्टेज पर जबरदस्त स्टेज प्ले चल रहा था। जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं होते तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। मेरे पास ज्यादा सपोर्टर्स है, मेरे पास ज्यादा मोमबत्तियां जल रहे हैं, इसीलिए टीवी पर कार्टून नेटवर्क नहीं तो वो चलेगा। टीचर जी मैं खड़े होकर लाली मत वाली कविता बोलू। क्या लेंगे, चाय ठंडा या गरम? नेस्कैफे। ऐसे में माही और दीपक से डायलॉग बुलवाना तो बनता ही था, तो माही शुरू हो जाइए। पंजाबी हूँ और मैं अपनी जट्टों वाली बोलूंगी। बिल्कुल, टांटर में तेरा खून पी जाऊंगी। वेल, जहाँ माही गिल ने अपनी पंजाबी का जलवा दिखाया वहीं साडे पप्पी जी तो स्टेज की परफॉर्मेंस नु देख के इन्ने डर गए कि सिर्फ जय माता दी बोल के किनारा कर लिया। जय माता दी। एक बार और जय माता। वेल पप्पी जी, हम समझ गए कि छोटे छोटे बच्चों की बड़ी परफॉर्मेंस देखकर आप थोड़ा डर गए, लेकिन जरा एक बात तो बताइए, लोग अपनी फिल्म का नाम लव स्टोरी रखते हैं, आपकी फिल्म का नाम नॉट अ लव स्टोरी क्यों? पहले इस फिल्म का टाइटल लव स्टोरी ही था, लेकिन जब ये फिल्म का शूट चल रहा था तो हमारे डायरेक्टर रामू सर को लगा कि लव स्टोरी नहीं, नॉट अ लव स्टोरी ही है, ऐसा भयानक प्यार। वेल, कैडेंस थिएटर मुंबई के इस इवेंट पर आकर जहां एक तरफ माही गिल और दीपक ढोबियाल ने अपनी फिल्म नॉट अ लव स्टोरी का प्रमोशन किया, वहीं स्टेज पर पहली बार परफॉर्मेंस करने वाले कलाकारों को भी जमकर किया प्रमोट। ट्रस्ट मी, आई रियली एंजॉयड अ लॉट कैडेंस। आई एम रियली टेलिंग, आई मीन आई एम रियली एंजॉयड माय सेल्फ। आई थिंक इट वाज अमेजिंग वाचिंग ऑल दीज एक्टर्स परफॉर्म एंड दे आर नॉट प्रोफेशनल, सो इट्स जस्ट इट वाज ऑसम। आज बड़े सालों बाद जब थिएटर देखा तो मुझे मतलब वही इमोशनल हो गया मैं थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह मुंबई में रखी गई थी एक शाम थिएटर के नाम, जिस शाम ने बॉलीवुड सितारों को भी उनके थिएटर के दिन याद दिला दिए।